पढ़ी लिखी देवरानी। अगर आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैंने मोहल्ले में हो रहे कंपटीशन को जीत लिया होता और अच्छी खासी मोटी रकम जीतकर आपके हाथ में थमाई होती माँ। आ बड़ बोली, ज्यादा मत बोल, जितना तेरा कद है ना उससे भी 50% कम बोला कर। इस घर में ही क्या, हमारे खानदान में किसी भी औरत को पढ़ने की इजाजत नहीं है। देख तेरी बड़ी भाभी मधु, ये भी कहाँ पढ़ी है, इसके घर वालों ने भी इसे पढ़ने नहीं दिया। तो अब आप बाकी लोग जो करेंगे वही करूँगी। पढ़ना सिर्फ लड़कों के हाथ में है, किताब पेन पढ़ाई ये आदमी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो आगे जाके कमाना है। औरतों को तो सिर्फ बेलन झाड़ू और पोछा यही करना है जीवन भर। और तेरे इस कॉम्पिटिशन को जीत कर मुझे नहीं चाहिए पैसे। मेरा बड़ा बेटा सागर अब कमा रहा है और छोटा बेटा तेज भी अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद कमाएगा ही। तारिनी तू तो बस अपनी बड़ी भाभी से खाना बनाना और घर के बाकी काम करना सीख ले। सच में आप सबकी सोच ना जमीन में धसी हुई रहेगी लाइफ टाइम, न जाने क्यों मैं इस घर में पैदा हुई। ऐसा नहीं बोलती तारिनी। तारिनी रोकर अपने कमरे में चली जाती है। पाठक परिवार में आज तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की और सिर्फ लड़कों को ही इजाजत दी जाती है, लड़कियों को नहीं। बिंदु के दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा सागर जो एक अच्छी नौकरी करता है और उसकी बीवी मधु है, और छोटा बेटा तेज जो अभी कॉलेज में अपने लास्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। बिंदु और यशराज ने कभी अपनी बेटी तारिनी को पढ़ने नहीं दिया, जिसकी शिकायत वो आज तक करती है। तेज को अपने कॉलेज में प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्रीति, वो दरअसल मुझे ये बात तुमसे बहुत समय से कहनी है। कल इकोनॉमिक्स के क्लास के बाद मैं तुम्हारे लिए रुका भी था लेकिन तुम चली गई। बोलो ना तेज, क्या हुआ, क्या कहना है तुम्हें? प्रीति, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो हम पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आई नो तीज, जैसे तुमने अपनी जज्बातों को मन में छुपा के रखा वैसे मैंने भी छुपाया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी कैसे कर पाऊंगी? क्यों, कौन रोक रहा है हमें? जहाँ तक मुझे पता है हमारे शहर में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, ना ही पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करवाई जाती है। तुम्हारी बहन तारिनी भी नहीं पढ़ पाई ना अब तक। आई नो, फिर तुम्हारी माँ कैसे मानेंगी? तुम इस सब की चिंता मत करो, I'll fix that all, बस भरोसा और हिम्मत रखो। तेज घर जाकर अपने माता पिता बिंदु और यशराज से बात करता है इस बारे में, और प्रीति के बारे में जानकर बिंदु और यशराज कहते हैं, है? तू बोरा गया है क्या लल्ला? देख ये सब हमारे घर में ही नहीं राज घरानों में भी होता है। अब प्रीति के माँ बाप होंगे फिर पूरी, लेकिन हम नहीं। हाँ बेटा, ये शादी कतई नहीं हो सकती। शादी में लड़का आगे और लड़की पीछे होती है, वैसे ही जीवन में भी पत्नी पति से एक कदम पीछे ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो मैं भी वही करूँगा जो मुझे सही लगता है। अब आप सब मेरा मरा हुआ मुंह ही देखोगे, गंगाजल तैयार रखिएगा। हाय हाय लल्ला, ये तू क्या बोले जा रहा है, पागल हो गया है क्या? तेज अपनी जिद से पीछे नहीं हटता और वो पूरे 1 महीने तक बिंदु, यशराज और अपने बड़े भाई सागर को मनाने में ही लगा रहता। तब कहीं जाकर कुछ महीनों बाद वो सब राजी होते हैं और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही 1 साल बाद तेज और प्रीति की शादी हो जाती है। लेकिन बिंदु, यशराज और सागर अब भी इस शादी से थोड़े से नाखुश ही होते हैं। जब घर के सभी आदमी खाना खाने बैठते हैं तब प्रीति भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठती है। तभी, अरे ओ कल की अंधी, पागल हो गई है क्या? अरे माना के तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर के और ससुराल के तौर तरीकों का पालन भी ना किया जाए। खाना पहले घर के आदमी खाते हैं और फिर औरतें खाती हैं, दोनों एक साथ नहीं बैठे, समझ गई? लेकिन मम्मी जी ऐसा क्यों? मेरा मतलब खाना तो सबका एक ही होता है ना, तो सब अलग अलग बैठ कर क्यों खाए? प्रीति तुम चलो ना रसोई में, चलो सबके लिए कटोरी में खीर परोसती है। लेकिन मधु दीदी। प्रीति, माँ और मधु जो कह रही हैं वो सब सुनो। तेज अपनी बीवी को कुछ समझाओ। प्रीति, अब प्रीति गुस्से से उठकर रसोई में चली जाती है और मधु के साथ खीर को कटोरियों में परोसने में लग जाती है।
प्रीति, हम इस घर की बड़ी बहू हैं, उसके बावजूद भी हमें हर मामले में, हर काम में पीछे रखा जाता है, जूती की नोक पे रखा जाता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब सोचो, हम बड़ी बहू होकर भी हमारा ये हाल है, तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा? माधु दीदी, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आदमी और औरत का भेदभाव, ये सब बहुत ही बेकार और इलॉजिकल है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज के जमाने में औरत आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। खैर, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। क्यों मधु दीदी? क्योंकि हमारी एक पढ़ी लिखी देवरानी जो है। आपको पता है मधु दीदी, आप ना बहुत क्यूट हो, आपको किसी की नजर ना लगे। सभी जब सभी हॉल में एकत्रित होते हैं, तभी बिना घूंघट ओढ़े प्रीति को देखकर, प्रीति बहू, अब क्या तुम्हारे लिए दीवार पर बड़े अक्षरों में इस घर के तौर तरीके लिखवा दिए जाए? हैं? अब क्या किया मैंने? अब हमेशा राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो मुझ पर मम्मी जी? I just don't understand. प्रीति बहू, आज तुम बगैर घूंघट के दिख गई हो। आइंदा से अगर ऐसा बिना घूंघट के दिखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु बहू को देखो, सोते समय भी घूंघट ओढ़े ही सोती है, नींद में भी ये हमारे आदेशों का पालन करती है। और हाँ, एक और बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा से बड़ों से और अपने इर्द गिर्द के आदमियों से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करना, और इस घर की चार दीवारों में सिर्फ और सिर्फ सरल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा, अंग्रेजी भाषा नहीं गूंजनी चाहिए। तेज, अपनी धर्म पत्नी को समझा कर रख। प्रीति निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात में वो तेज से कहती है, तेज, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर वाले इतने पागल कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे ये अंदर की बातें पता होती ना, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। I married you just because तुमने कहा कि तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ तो वही हुआ ना, वो कुछ बोले क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर? अब बाकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है घर की लड़कियों और बहुओं के लिए, अब उन्हें तो फॉलो करना ही होगा ना। आई नो वो थोड़े बहुत गलत है, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं। एक दिन जब यशराज दूध वाले का हिसाब कर रहा होता है, तभी ये 3 हफ्ते जुलाई महीने के और 2 हफ्ते अगस्त के, तो कुल मिलाकर पूरे हुए। अरे बिंदु, जरा हमारे ड्रॉअर में से कैलकुलेटर तो लेकर आना। जी अभी लाती हूँ। बिंदु कैलकुलेटर लाती है और तभी प्रीति भी वहाँ आती है और यशराज को हिसाब करते देखती है। ओफो, ये कैलकुलेटर चल क्यों नहीं रहा? मैं हिसाब कैसे करूँगा? 5 हफ्तों का हिसाब मिला जाए तो बनते हैं 680 रुपए, क्योंकि हमने 3 रविवार और 4 मंगलवार को दूध नहीं लिया था रघु भैया से, तो उस हिसाब से यही हिसाब बनता है। मैंने अपने माइंड में ही 1 मिनट में कैलकुलेट कर दिया है। आ प्रीति बहू, तुझे 1000 बार कहा है ना, रसोई में ही रहा कर। अरे आदमियों के काम में क्यों हर बार अपनी टांग अड़ाने आ जाती है? आइंदा से ये हिसाब किताब वाले काम में तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। चल दफा हो यहाँ से अब। न जाने कौन सी घड़ी थी वो जब तेज को इससे प्यार हुआ। बेवकूफ है हमारा बेटा। इस तरह फिर से प्रीति को चुप कराकर रसोई में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद प्रीति जब बाजार से घर लौटती है, तब वो घर पर सबको मधु पर चिल्लाते हुए देखती है और मधु बेचारी फूट फूट कर रोई जा रही थी। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही मैं बाप नहीं बन सकता कभी। पता नहीं क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में, पनौती हो तुम, पनौती। लेकिन सागर जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके अंदर कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। अब इसमें हमारी क्या गलती है? आए मधु, ज्यादा ऊंची आवाज से बात मत कर। वही तो, प्रीति से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता और वो तुरंत अंदर आकर चिल्लाती है, बस आप सबको ये क्या हो गया है? जब डॉक्टर ने कहा है कि कमी सागर भैया में है, तो मधु दीदी को क्यों सुनाना? वो क्यों सहे? सारे ताने, सारी डांट, सारी गलती मधु दीदी की कैसे हो गई? ए मास्टरनी, तू तो चुप ही रहा कर। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को और बाकी मछलियों को खराब कर देती है,
तू ना वैसी ही है, तेरी वजह से ही ये मधु बहू भी उल्टा बोलना सीख गई है। नहीं माँ, ये सरासर गलत है, गलती सागर भाई की है। नहीं, मधु में ही कोई दोष है, हमारे बेटे सागर में कोई दोष हो ही नहीं सकता। ये मनहूस मधु कुंडली मार कर बैठ गई है हमारे सागर के जीवन में। मधु दीदी, ये आपके हाथ पाँव पर निशान कैसे, बोलिए। सागर जी ने हमें बहुत मारा प्रीति, बचाओ इन सब से, ये सब बहुत बुरे हैं। मधु प्रीति के गले से लिपट कर रोए जा रही थी। सागर गुस्से में आकर मधु पर हाथ उठाने जा रहा था कि तभी प्रीति उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। मेरा हाथ। एक आदमी अगर गुस्से में शैतान बन जाए तो एक औरत क्रोध में काली का रूप धारण कर लेती है, समझ गए सागर भैया? और आप सब, अरे एक बार ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए ना, अगर ऊपर वाले ने आदमी और औरत को साथ में बनाया है तो हम क्यों फर्क करें, क्यों औरतें आदमियों से पीछे रहे? दोनों साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं ना, साथ में काम करके अपना घर अपनी गृहस्थी चला सकते हैं ना। गलती सोच की है, अगर सोच बदलोगे तो ही बदलाव आएगा, वरना जमीन में ही धस के रह जाओगे। उतने में तेज अपने साथ पुलिस अफसर को लेकर आता है। सागर भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आज जो मुझे आपके बारे में पता चला, कैसे आप मधु भाभी को मारते हो, उन पर अत्याचार करते हो, इसके बाद से आप मेरे कोई नहीं, मेरे लिए आप ना के बराबर हो गए हो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। पुलिस सागर को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गिरफ्तार कर लेती है और उसे लेकर जाती है। माँ, पापा, प्रीति और मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब इस घर में और नहीं रहेंगे और अकेले किसी शहर में जाकर रहेंगे। मधु दीदी और तारिणी भी हमारे साथ चल सकती हैं। इस तरह तेज और प्रीति वहां से चले जाते हैं और मुंबई शहर आकर तारिणी और मधु दोनों भी पढ़ने जाती हैं और सभी अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। वहीं बिंदु और यशराज, जिन्हें तेज हर महीने पैसे और खत भेजता है, वो दोनों अपने बच्चों की याद में रोते रहते हैं और उनके खतों को ही पढ़ते रह जाते हैं।